जमीन के नीचे हमास ने सुरंगों का मकर जाल बुन रखा है, एक तरह की भूल भुलैया बना रखी है जिनके बारे में कोई सटीक जानकारी इज़राइल के पास नहीं है। हालांकि इज़राइल को कुछ खुफिया इनपुट जरूर मिले हैं। इन्हीं इनपुट के आधार पर माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को अगवा किए गए दर्जनों नागरिकों को इन्हीं सुरंगों के किसी हिस्से में रखा गया है। गाजा में हर दिन भले ही सैकड़ों बम बरसाए जा रहे हैं, भले ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मलबों के ढेर में बदल गई हैं, भले ही वहां आम लोगों की जिंदगी उजड़ गई हो, गाजा की जमीन के नीचे हमास के आतंकियों की बस्ती अब भी आबाद है। हमास के हमले के बाद जब इजरायली सेना ने पलटवार किया तो हमास के आतंकी गाजा की जमीन के नीचे बने इन्हीं सुरंगों में छिप गए और अब वो वहीं से मौका देखकर इजरायल पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजरायल को पूरा यकीन है कि 7 अक्टूबर को अगवा किए गए बंधकों को इन्हीं सुरंगों में रखा गया है, क्योंकि इजरायल को जो खुफिया इनपुट मिले हैं वो न सिर्फ इस ओर इशारा कर रहे हैं बल्कि अब तक हमास ने जिन बंधकों को रिहा किया है सब ने यही बताया है कि उन्हें दूसरे बंधकों के साथ सुरंग में रखा गया था, जहां तक इजरायली सेना के लिए पहुंच पाना कतई आसान नहीं है। सुरंगों की शक्ल में हमास ने जमीन के नीचे पूरा शहर बसा रखा है। सुरंग के इस हिस्से को देखिए, सुरंग में ऊपर की तरफ वायर्ड टेलीकम्युनिकेशन का पूरा जाल बिछा हुआ है। इसी नेटवर्क के जरिए आतंकी एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। यहां पर टेलीविजन डिश एंटीना भी लगा हुआ दिख रहा है, जिसके जरिए हमास के आतंकी मीडिया चैनल्स पर दिखाई जा रही खबरें और तस्वीरें खुद देखते हैं। सुरंग की दीवार के सहारे लटक रही इन तारों के जरिए सिर्फ लाइट को सुरंग के अंदर तक नहीं पहुंचाया गया है बल्कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए वायर्ड नेटवर्क भी तैयार किया गया है। इस बीच इसराइल ने अमेरिका के साथ हमले से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा की है। इस जानकारी से पता चला है कि हमास के आतंकियों का एक ग्रुप 2 साल से गाजा की जमीन के नीचे सुरंगों में रहकर हमले की प्लानिंग कर रहा था। इन लोगों ने सुरंगों के भीतर हार्ड वायर फोन का नेटवर्क बनाया था। 2 साल तक सुरंगों में काम करने वाले इस छोटे सेल में आपसी बातचीत और ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए इन्हीं फोन लाइनों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पर हमले से पहले तक हमास के लड़ाकों ने पूरे 2 साल तक कंप्यूटर और सेल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। ये सब इसलिए ताकि मोसाद को उनके खूनी प्लान की भनक तक न लगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।